रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री ने बहनों को दी बड़ी सौगात। रक्षाबंधन के पर्व से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की बहनों को एक विशेष सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। इस माह में लाडली बहनों को मिलने वाली यह राशि प्रति माह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। लाडली बहनों को प्रति माह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर सावन माह में अपने अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आह्वान भी किया। यह पहल बहनों के प्रति सम्मान और स्नेह का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति की विशेषता को और भी मजबूत करती है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य की लाडली बहनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आर्थिक सहायता बहनों को अपने जीवन में छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सावन का महीना प्रारंभ हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने 4 जातियाँ बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गांवों में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई।